आज बड़ी घटना हुई। आज नीतीश जी जा रहे थे एनडीए की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली, और बाद में तेजस्वी भी इंडी की बैठक में भाग लेने जा रहे थे दिल्ली। तेजस्वी जी आए, उन्होंने नमस्कार किया जो सदैव वो करते हैं नीतीश जी को, और जाकर पीछे बैठ गए, और थोड़ी देर बाद वो पास आकर आगे नीतीश जी के साथ बैठ गए। अब हम पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या गुटरगूं हुई। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कल के परिणाम बड़े अप्रत्याशित थे, और उन अप्रत्याशित परिणामों के बावजूद इंडी अलायंस की भिंडी जो है वो कच्ची रह गई, पूरी तरह से पक नहीं पाई। उनका जो 295 था वो सपने का सपना रह गया। हालांकि 234 भी उनके लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन 234 से काम नहीं चलता भाई, 272 चाहिए होती हैं। 272 से पूरी 38 कम, तो पूरी 38 कम होने के बाद भी आप ये सोचिए कि ये इंडी की जो भिंडी है ये सरकार बनाने का प्रयत्न कर रही थी। कल पूरे समय ये सरकार बनाने का प्रयत्न करते रहे, और सरकार बनाने के प्रयत्न करने के लिए किया क्या, उसके बाद भी जो है वो पप्पू जी जो थे वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। भाई अगर आपको नीतीश बाबू का साथ चाहिए तो आप नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री पद की ऑफर कर देते तो हो सकता है वो तैयार हो जाते, लेकिन संख्या बल तो बहुत कम रह गया। यद्यपि बीजेपी 240 पर रह गई, लेकिन एनडीए तो 292 पर आ गई ना, और 292 में यदि मान लीजिए दोनों को निकाल दें आप, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी और 12 सीटें जो हमारे नीतीश बाबू लेके आए हैं, ये 16 और 12 28 इनको भी आप निकाल दें तो भी 264 हो जाती हैं, उसके बाद 8 ही सीटें बचती हैं। तो मास्टर स्ट्रोक तो आप जानते हैं कि खेलने में इसमें तो कोई कमी है ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, 7 तो इंडिपेंडेंट ही हैं। उद्धव ठाकरे भी वापस आने के लिए लालायित हैं, उन्होंने भी बताया जाता है कि कल ऑफर दे दिया कि भाई हम आपको बिना शर्त आउटसाइड सपोर्ट दे देंगे फिलहाल, बाद में देखेंगे कि शामिल होना है या नहीं होना है। आपको ध्यान हो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, एक बार 2019 वाले कोएलिशन में जब यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ तो इंडी वालों ने क्या कहा, इंडी वालों ने कहा हम आप दोनों को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। अरे भाई इंडी वालों, क्या बिल्कुल ही अकल को घर छोड़ आए हो क्या? दोनों चीफ मिनिस्टर हैं, एक चीफ मिनिस्टर की अभी शपथ लेने वाला है, एक चीफ मिनिस्टर लगातार अभी क्यों, 2005 से ही चीफ मिनिस्टर, थोड़ा सा बीच का एक करीब साल भर का पीरियड छोड़ के जब उन्होंने जीतन राम मांझी को बना के और जीतन राम मांझी का कद इतना बढ़ा दिया कि अब जीतन राम मांझी ने अपनी अलग पार्टी बना ली। तो दोनों चीफ मिनिस्टर हैं, और चीफ मिनिस्टर को छोड़ के केवल एक पद ऐसा है जो कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर पद को छोड़ के स्वीकार कर सकता है, और वह पद है प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर आप यदि बना दोगे दोनों में से किसी को भी, तो इसमें एक और समस्या आ जाती, वो समस्या ये आ जाती है कि नीतीश बाबू चंद्रबाबू नायडू के नीचे काम नहीं करेंगे, और चंद्रबाबू नायडू जो है वो नीतीश बाबू के नीचे काम नहीं करेंगे, और एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो दूसरा जो है फिर वो क्या घास छीलेगा, तो दोनों एक साथ नहीं जा सकते, ये बिल्कुल पक्की बात है। और एक को लेके कुछ होता नहीं, आप नीतीश बाबू को ले लीजिए तो 234 प्लस 12 आप 246 में पहुंच जाएंगे, और यदि आप नायडू को ले लीजिए तो 234-16 आप 250 में पहुंच जाएंगे, किसी भी हालत में आपकी सरकार नहीं बनती, एक बात। दूसरी बात यह है कि भाई कोई भी पार्टी यदि किसी गठबंधन में रहना चाहेगी तो एक स्थिर गठबंधन में रहना चाहेगी या कि वो एक अस्थिर गठबंधन में रहना चाहेगी। कोई भी पार्टी एक अस्थिर गठबंधन में नहीं रहना चाहती, रोज रोज के झगड़े, रोज रोज के टंटे, किस दिन सरकार गिर जाए, उस सरकार के गिरने का उनकी अपनी जो स्टेट है, अपना जो उनका प्रदेश है उसमें उनकी क्या स्थिति बने, ये सब चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रख के ही पार्टियाँ अपना निर्णय लेती हैं। ख़ास तौर से मंझे हुए गठबंधन के खिलाड़ी चंद्रबाबू नायडू और
नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू 2014 के गठबंधन में थे, उन्होंने गठबंधन कुछ बेकार सी बातों पे तोड़ा और उसके बाद जो उन्होंने 5 साल जो जिस प्रकार का अपमान, जिस प्रकार की जिल्लत, जिस प्रकार का ह्यूमिलिएशन उन्होंने झेला है, मुझे तो नहीं लगता कि दोबारा वो रिस्क लेने वाले हैं। और उन्होंने आज अनाउंस भी कर दिया कि भाई हम NDA में हैं और मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ और होगा जब वहाँ मीटिंग के बाद कोई रिपोर्ट करने लायक बात होगी तो आपको रिपोर्ट कर देंगे, चैप्टर क्लोज्ड। इसी तरह से नीतीश बाबू जो थे उनके लिए कहा गया कि भाई नीतीश बाबू ने अफवाह उड़ाई गई कल की, नीतीश बाबू ने जो है वो दोनों उप मुख्यमंत्रियों से मिलने से मना कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था, अफवाह उड़ाने का तो आपको पता है कि NDA गठबंधन का जो अफवाह उड़ाने का तंत्र है वो बहुत तगड़ा है। हम धीरे धीरे बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, पहले भी थी, हम लोगों को पता था, हमने ऊपर पहुंचाया भी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक और समस्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग, कुछ लोग बैठे हुए हैं ऊपर, और ऊपर के जो बैठे हुए हैं और उनके जो चेले भी हैं, उनको लगता है कि उनसे अच्छा तो कोई जानता ही नहीं, वही सब कुछ जानते हैं। सर्वे गुणाः पावर माश्रयन्ति, वो थोड़ा सा ना वो पुराना वाला जो श्लोक है उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, वो पुराना श्लोक है सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, तो मैंने उसको आजकल मॉडिफाई कर दिया है आजकल के संदर्भ में कि सर्वे गुणाः पावर माश्रयन्ति, कि जिसके पास पावर है उसी के पास सारे सदगुण हैं, वो जो चाहे जो कहे, जो पढ़ कहे, जो पढ़े, जो बोले, वो सब जो है वो उचित है, सब बढ़िया है। जिसके पास पावर हो वो यहाँ तक कह सकता है कि भाई हमें अब RSS की ज़रूरत नहीं। तो उसका परिणाम विशेषकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल भी गया, जिन स्थानों पर कांग्रेस ने अपनी स्वयं की हाराकीरी आत्महत्या कर रखी थी वहाँ पर जरूर एक प्रकार का क्लीन स्वीप मिल गया, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में मिल गया, जैसे गुजरात में भी क्लीन स्वीप नहीं हो पाया, एक सीट इस बार चली गई, लेकिन जो सपने जो सजोए हुए हैं इंडी अलायंस ने कि वो 234 से सरकार बना सकता है, तो मुझे लगता है कि नितांत मूर्खता की बात है ये। इनको स्वयं को नहीं पता कि इनके जो ये 234 का ये जो भानुमती का कुनबा है इसमें से कितने लोग जो हैं इनको छोड़ने के लिए, जाने के लिए तत्पर हैं। और मैं अभी आपको गिना सकता हूँ कि कितने लोग हैं, जैसे बताइए SKM सिक्किम क्रांति मोर्चा जो है, वो यद्यपि BJP उसके सामने चुनाव लड़ी, लेकिन सिक्किम क्रांति मोर्चा जो है वो NDA का घटक है स्टेट लेवल पे, तो उनको क्या समस्या होगी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने में, या मेघालय के दलों को या मिजोरम के दलों को, इनको भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने में क्या समस्या होगी। यहाँ तक कि बीजू जनता दल जो है वो इस बार केवल एक ही सांसद उनका पहुँच पाया है पार्लियामेंट तक, उस एक सांसद को भी या BJD को भी ऑफिशियली क्या समस्या होगी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने में, कोई समस्या नहीं होगी। और ये बात भी सही है कि भाई बीजू जनता दल को भारतीय जनता पार्टी ने यह ऑफ़र भी दिया था और उन्होंने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने उनके साथ में सहयोग में चुनाव लड़ने का उनको आमंत्रण दिया था और उसमें यह कहा था कि आप अधिकांश सीट असेंबली की रख लीजिए और हमको आप अधिकांश सीट 14-15 सीट उन्होंने मांगी थी कि ये हमको आप लोकसभा में दे दीजिए, वो उन्होंने नहीं माना, परिणाम स्टेट गवर्नमेंट भी गई और केवल एक सांसद जिता पाए, 19 सांसद भारतीय जनता पार्टी को मिल गए। तो भाई भारतीय जनता पार्टी को यदि देखिए तो कोई विशेष समस्या नहीं है, कुछ मांगे हैं, मांगे की जा रही हैं, तरह तरह की मांगे सामने आ रही हैं, हमको स्पीकर पद चाहिए, हमको जो है वो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज चाहिए, 3 मिनिस्ट्री हमको चाहिए, 4 मिनिस्ट्री उनको चाहिए, वो सब ठीक है, डिमांड कर लीजिए, क्योंकि हमारे नायडू साहब जो हैं वो बहुत एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं इसमें, लेकिन पहले से अधिक मिल जाएगा। लेकिन यदि नायडू या नीतीश कुमार ये सोचते हों कि भाई भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके सामने लम्बलेट हो जाएगी, तो वो भी मुझे होते दिखता नहीं, क्योंकि उनके पास उनके तरकश में बहुत सारे ऐसे तीर हैं, एक मैंने आपको गिना भी दिया कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो अब लालायित हैं वापस जाने के लिए। उद्धव ठाकरे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो 18 सीट जीते थे
23 लड़के, और अब 21 सीट लड़े हैं और खुद की पार्टी उनकी 9 सीटें आई है। और कांग्रेस जैसी जो एक प्रकार से ख़त्म हुई पार्टी थी, पिछली बार एक सीट जीती थी महाराष्ट्र में, वो 13 सीट जीत गई। तो भाई इस पूरे के पूरे गठबंधन से किसे लाभ हुआ? तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो भी अब सोच रहे हैं कि यार हमने क्या गड़बड़ कर दी। वैसे उद्धव ठाकरे आने को तो आ जाएं, लेकिन उनके ऊपर विश्वास तो आगे नहीं किया जाएगा। और मैं भी यही कहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस को जो पीछे रखा, और उस पीछे रखने के पीछे कई अन्य कारण भी थे, और देवेंद्र फडणवीस को यदि आप मुख्यमंत्री नहीं बना रहे थे तो देवेंद्र फडणवीस बाहर रहना चाहते थे, उनको आप पार्टी अध्यक्ष बना देते, कुछ करते, वो भी नहीं किया आपने। एक प्रकार से आपने उनको पूरी तरह से अपमानित किया। वो बहुत अच्छे कुशल कार्यकर्ता भी हैं, वो अच्छे राजनीतिज्ञ भी हैं और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। बस उनकी पत्नी की थोड़े से दिमाग ख़राब रहते हैं, वो उसको उनके विरुद्ध ना पढ़ा जाए अधिक। तो ये तो हुआ, और बाकी जो और कार्यक्रम करने हैं, बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि ये जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का सीमेंट है, यही इनके अलग अलग जो वोट बैंक्स हैं, अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं, जो 36.5% वोट मिला है पिछली बार से, लगभग 0.5% कम है। तो ये जो 36.5% जो वोट मिला है ना, तो ये कई खंडों में विभाजित है, और इनको एक साथ रखने के लिए एक सीमेंट की ज़रूरत होती है। उस सीमेंट का नाम है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। उसको किनारे करके आप नहीं चल सकते। इसके बारे में हम आगे और भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अभी की रिपोर्ट ये है कि भाई एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही है, संभवतः 8 जून को उनका शपथ ग्रहण होगा, और नायडू और नीतीश ये कहीं नहीं जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि कोई समस्या है, और इसलिए नहीं कि इनको बहुत सारे लालच दिए जा रहे हैं, केवल इसलिए कि इनको पता है कि इनका राजनीतिक भविष्य कहाँ पर सुरक्षित है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।